दोस्तों, जब थाने में आप कोई भी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पंजीकृत करवाते हैं तो कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक्यूज्ड की ओर से, और आपने अपना प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत तो करवाया, उसके बाद जब वो विवेचना करते हैं तो तब उस मामले में वो FIR यानी फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं, जिससे कि आपका मामला वही बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर आपको भी आशंका है कि आपके मामले में फाइनल रिपोर्ट यानी FIR लग सकती है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, जब आपके साथ कोई भी अपराध घटित होता है तो जो आप पहला काम करते हैं वो ये करते हैं कि थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR पंजीकृत करवाते हैं। अब जब आप FIR पंजीकृत करवाते हैं तब पुलिस का काम शुरू होता है वहाँ से, कि वो उस आपके जो आपका मामला है उसकी विवेचना करे, इसके बाद में न्यायालय में उन एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत करे जिससे कि उन्हें सजा दी जा सके। अब दोस्तों, क्या होता है कि पुलिस वाले कई बार करते क्या है कि अपोजिट पार्टी जो है उनसे कुछ पैसे लेकर या उनके इन्फ्लुएंस में आकर, नेता विधायक के इन्फ्लुएंस में आकर आपके मामले में फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं यानी कि FIR लगा देते हैं, तब आपका मामला वहीं बंद हो जाता है। अब दोस्तों, FIR लगने के बाद आपके पास दो स्थितियां होती हैं। एक तो FIR अगर लग गई है तो क्या करना है ये आगे समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि अगर आपको आशंका है कि आपके मामले में FIR लग सकती है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको अपने जिले के मजिस्ट्रेट न्यायालय में जाना है और वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र 156(3) के तहत प्रस्तुत करना है। अब आप कहेंगे कि 156(3) का प्रार्थना पत्र तो FIR पंजीकृत करवाने के लिए किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सकीरी बसु का एक केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन देकर, वो भी 156(3) के तहत आवेदन देकर फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपना न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और इस सकीरी बसु की जजमेंट को कोट करेंगे, उसमें साथ ही जजमेंट मजिस्ट्रेट साहब को दिखाएंगे भी। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर देंगे। उसमें आप ग्राउंड ये लेके जाइए कि हमें शंका है कि दरोगा साहब इसमें इन्फ्लुएंस हो गए हैं, पैसे ले लिए, वो हमारे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा सकते हैं, इसलिए इसके फेयर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए जाए। जब न्यायालय फेयर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे देगा तो उसमें क्या होगा, न्यायालय प्रत्येक सप्ताह उनसे आख्या मंगाता रहेगा कि आप इसमें क्या प्रगति कर रहे हैं, कैसे जांच कर रहे हैं, इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मामले में फाइनल रिपोर्ट ना लगे। और दरोगा साहब अगर न्यायालय का आदेश होगा तो फाइनल रिपोर्ट लगाने से डरेंगे भी। ये हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये कि अगर आपको शंका नहीं हुई कि हाँ फाइनल रिपोर्ट, आपको फुल कॉन्फिडेंस में दरोगा साहब लिए रह गए कि नहीं आपके मामले में मैं चार्जशीट लगा दूंगा, और आखिरकार उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब वो FIR न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तो जो कंप्लेनेंट होता है उसे नोटिस होता है, यानी कि आपको नोटिस प्राप्त होगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद में आप न्यायालय में आइए और उस FIR की प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डालिए कि ये गलत तरीके से फाइनल रिपोर्ट दरोगा सामने लगा दी है। इसके बाद में न्यायालय आपकी प्रार्थना पत्र की सुनवाई करेगा, न्यायालय दूसरे विवेचना अधिकारी से उसकी आपकी विवेचना भी करवा सकता है आपके मामले की, या स्वयं संज्ञान लेकर उसको परिवाद के रूप में भी ट्रीट कर सकता है और आपसे गवाह सबूत लेकर वहीं से समनिंग ऑर्डर कर सकता है एक्यूज्ड को। तो दोस्तों, अगर FIR लगने की आशंका है तो मैंने जो बताया है वो करिए, अगर FIR लग गई है तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अगर मामले में FIR लगने वाली है तो आपको क्या करना है, और अगर FIR लग गई है तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।